आप सब माता रानी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज कोई व्लॉग नहीं है, कोई वीडियो नहीं बनाया मैंने, सिर्फ कुछ बातें करनी है आप लोगों से। तो वैसे तो यूट्यूब पे किसी की मदद नहीं करता है, चाहे कोई यूट्यूबर कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन सारे यूट्यूबर एक जैसे नहीं होते। उनमें से एक इंडियन व्लॉगर नेहा जी हैं, तो उन्हें मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज किया था और उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब भी दिया है। और जो मैंने उनसे मांगा था यूट्यूब पे, जो सहायता मांगी थी, तो उन्होंने वो सहायता भी की है मेरी, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है, काफ़ी टाइम से हैं यूट्यूब पे और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ऐसे बहुत ही कम यूट्यूबर हैं जो हमारे कमेंट का जवाब देंगे, क्योंकि पहले भी मैंने कईयों को मैंने कमेंट किया था लेकिन किसी ने नहीं रिप्लाई नहीं किया, किसी ने भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो जिन्होंने मुझे मैसेज का जवाब दिया है तो उनकी तारीफ़ करना तो बनता है, क्योंकि मेरी नज़रों में तो वो बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं। जब से मैंने चैनल खोला है मैं तभी से ही उनसे जुड़ी हुई हूँ, तभी से उनकी वीडियो देखती हूँ और वो भी मेरे चैनल पर आते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या फिर अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा है इंसान तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा इंसान लगता है तारीफ़ उसी की होती है। और उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे बात करने के बाद ही पता चला कि वो कैसी इंसान है। तो वो बहुत ही अच्छी इंसान है। इतना बहुत ही कम होते हैं ऐसे यूट्यूब पर जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज किया था, कुछ पूछा था, तो उन्होंने मुझे मैसेज का जवाब भी दिया है। और भी जाएँ, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे जो भी फ्रेंड हैं तो वो उनके चैनल पर भी जाएँ। छोटा यूट्यूबर कुछ पूछ रहा है या फिर कोई सहायता चाहता है, तो मैंने बहुत बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि कितना भी आप मैसेज करते रहो कोई सहायता नहीं करते हैं भाई, कोई मदद नहीं करता है। लेकिन नेहा जी, उन्होंने वो भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और उनका चैनल भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो वैसे मैं यही कह सकती हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड हैं तो प्लीज़ उनके चैनल पर भी जाएँ, और अच्छी वीडियो बनाते हैं तो हमें भी मदद करें और उन्हें भी मदद करें। वैसे तो उनके तो काफ़ी फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे हैं आप उनके चैनल पर भी जाएँ, अच्छी वीडियो बनाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। और बहुत बड़ी बात होती है अगर एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की सहायता करे, कुछ पूछे, क्योंकि बहुत कई ऐसे भी होते हैं हमारे जैसे जिन्हें नहीं समझ में आता कुछ। तो नेहा जी का इस बात में मुझे बहुत ही अच्छा स्वभाव लगा कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया जो भी पूछा उनसे, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना चाहती हूँ कि माता रानी उनकी हर इच्छा पूरी करे यूट्यूब पे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो हमें भी आगे बढ़ने में मदद करें ताकि हमारा चैनल भी कुछ आगे बढ़ सके, क्योंकि हमें तो कुछ आता नहीं है, बस यही है वीडियो बनाते हैं डाल लेते हैं, वो भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर बच्चों के पास ही रहता है। इस लॉकडाउन के चक्कर में ना स्कूल तो लगते नहीं है और बच्चों के पास ही फ़ोन रहता है, फ़ोन भी हमारे पास एक ही है, तो फिर वो भी बच्चों के पास रहता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने का। तो जो भी है जैसी भी है वीडियो डालते हैं, अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और फिर से एक बार नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया और जो मैंने पूछा उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।